आपने आलोचना की पेट्रोलियम को क्यों नहीं डाला, आपकी पांच सरकारें बची हैं, आप उन पांचों से बयान दिलवा दीजिए कि आपकी राज्य सरकारें तैयार है पेट्रोलियम डालने को। 2011 में जीएसटी का संविधान संशोधन 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया यूपीए द्वारा। उस 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपने कहा पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर रहेगा, ये यूपीए का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। यू न्यू द डिफिकल्टी, यू डिड नॉट इवन मेक एन एफर्ट टू हैव पेट्रोलियम एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 2014 में हमारे सबसे पहली एक्सरसाइज थी कि हमने राज्यों को कहा कि भाई संविधान के अंदर तो आने दो उसको, राज्य तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर पेट्रोलियम का रेवेन्यू नहीं आया तो शायद हमारे पास वेतन देने को भी ना बचे, और इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी वाला ऐसे राज्यों में फर्क नहीं था, वो स्टेट रेवेन्यूज की चिंता कर रहे थे। लेकिन हम मैंने उनको परसुएड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ब्रॉड बेस कर देते हैं और पेट्रोलियम को उसमें ले आते हैं, पर पेट्रोलियम पे जीएसटी टैक्स लगाना तब शुरू करेंगे जिस दिन आप सब मिलकर सहमति से हां बोलोगे। सो आज जो व्यवस्था है, टुडे द सिचुएशन इज पेट्रोलियम इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी बट इट इज जीरो रेटेड इन जीएसटी, इट विल गेट टैक्स एज जीएसटी वंस द जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स। The UPA amendment had kept even petroleum completely out of GST, even in the constitution amendment. But now you are in opposition, so you have a flexibility to change your position.